बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। हाल ही में शासन ने बरसाना, छाता और फरे में टाउनशिप बनाने की योजना बनाई है, जो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को टाउनशिप बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बरसाना में 197 हेक्टर भूमि अधिग्रहण करने को लेकर MBDA के अधिकारियों ने 19 फरवरी 2024 को पहली बैठक बरसाना के PWD सभागार में की। बैठक में शुरू से ही MBDA को किसानों का विरोध देखने को मिला। किसानों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर कहा कि मर जाएंगे पर किसी भी कीमत को जमीन नहीं देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। जो नियत है उस पर बिल्कुल संदेह खड़ा करता है। आज से 2 महीने पहले जो इन्होंने हमें RTI के माध्यम से जवाब दिए, उसमें इन्होंने कहा था कि ऐसी कोई योजना अभी प्रस्तावित नहीं है, ऐसा RTI ने जवाब दिया। उसके बाद अचानक से ऐसा नोटिफिकेशन आता है, जबकि ये बार बार जनता को गुमराह करके उनकी जमीन हथियाना चाहते हैं। और ऐसे विकास से कुछ होना जाना नहीं है। जिन किसानों की जमीन जाएगी उनके बच्चों को कल के दिन में वही रिक्शा चलाना है, वही मजदूरी करनी है। इससे बरसाने का कोई विकास नहीं होना है, केवल विनाश का एक माध्यम बनेगा। और ये जो जमीन ली जा रही है ये बहुत ही उपजाऊ जमीन है। आप अगर ऐसी कोई योजना आती है, सरकार की ऐसी कोई योजना आती है, तो प्रथम दृष्टया ये देखा जाता है कि ऐसी जमीन पे कोई योजना लाई जाए जो कम उपजाऊ हो। ऐसी बहुत गांव से बाहर जमीन पड़ी है जहाँ पे ऐसी योजना लाई जा सकती है, पर उपजाऊ जमीन पे ला के ऐसी योजना ये किसानों की कीमती जमीन हारना चाहते हैं। आज बरसाना में भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो किसानों के समझौते के लिए यहाँ एक बैठक बुलाई गई है, इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहेंगे और क्या है आपका पूरा? हम कहना चाहते हैं कि ये यहाँ लेना ना देना, जमीन ना के बराबर पालन पोषण हो वो अलग बात है। अगर इस जमीन पे जितने खातेदार हैं उनके नाम हैं, वो अगर मकान बना में तो उनके बच्चों के मकान भी नहीं बन पाएंगे। इस विषय में तो जमीन दे देखी तो बात है, जमीन है कहाँ जो दैचा है, तो है ये भावी में लट में लट। अगर किसान सरकार किसानों से जबरदस्ती करती है तो किसान क्या करेंगे? किसानों के पास कई ऑप्शन है। अगर सरकार जबरदस्ती करती है तो सरकार ही सब कुछ नहीं है, कोर्ट है, कचहरी है, सब कुछ है। और किसान उससे पहले भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, मरेंगे, मारेंगे। कानून का रास्ता हाईकोर्ट खुला हुआ, सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार ऐसे ही ले लेगी और ऐसे ही कर लेगी, किसानों को ऐसे ही मार देगी तो इसका मतलब अभी कोई नहीं है। अभी सचिव जी के द्वारा ये भी कहा गया था कि मुआवजा भी दिया जाएगा, या मुआवजे में सचिव जी एक लैम चूस की गोली लेके आए हैं, जो सरकार के तरफ से किसान को समझ रहे हैं बेवकूफ। मुआवजा देंगे, उन्होंने मुआवजे कर दिया। पहली बात तो उन्होंने शहरी का जो किया था 2 गुना, किसी को कोई मालूम नहीं, 4 गुना था अब तक रूरल में था, 2 गुना कर दिया। 2 गुना के उनके सर्किल रेट के हिसाब से उनको ये पूछो कितना मुआवजा हो रहा है, और यहाँ बरसाने में जमीनों के कीमत के हिसाब से और उसके हिसाब से उनके खुद के बहनामा हैं, जिन जमीनों का ये लाए हैं उनके पास में 6-6 महीने 3-3 महीने पहले उन लोगों ने स्टाम्प लिए हैं, वो इनको नहीं दिख रहा है। किसानों की जमीन दिख रही है, फ्री में ले लो, आवासीय योजना बनाएंगे। ये भी करेंगे टाउन से बनने के बाद में बरसाना का विकास होगा? बरसाने का विकास क्या होगा? पार्क टाउन से इन्होंने बना दी, टाउन से किसके लिए बना रहे हैं? बरसाना वालों ये बना रहे हैं, बाहर के जो भी जितने भी लोग हैं, बिल्डर आएंगे, कोई और आएंगे, या MBDA है, ये किसान को तो कौड़ियों के दाम लेके फिर अपनी मनमर्जी से कहने, मतलब बरसाना का विकास करेंगे यानी अपनी जेबें भरेंगे। आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो जमीन? बिल्कुल किसी भी कीमत पे हमको जमीन देनी नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसा। ये विकास नहीं है, ये हमारे लिए विनाश है। तो आप विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल पुरजोर, हर तरीके से, कानूनन भी, शारीरिक भी, मानसिक भी, आर्थिक भी, सब तरीके से। उसमें सभी लोगों से वार्ता की गई, बिल्कुल सहमत नहीं थे सर, लेकिन जब उन्हें भविष्य की दृष्टि बताई गई, समझाया गया, तो लोग सहमत भी हो गए। कोशिश की गई, लोगों के घर बने हुए थे, थोड़े थोड़े सबके आंशिक भाग हटाए गए दोनों तरफ से, सब सड़क के। अब तो भरोसा भाव ने भी बोल दिया, IIFL होम लोन्स के साथ अपना खुद का घर लो सिर्फ 999 में, लोन मिलेगा फुल भरोसे के साथ। जिन पे आपका है पूरा विश्वास, उनका भरोसा है हमारे पास। गोपी कृष्ण
हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सरदर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैराडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। मोटिवेशन 100%, तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी, रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन्स और मिनरल्स, बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रीडिन।